दोस्तों यहाँ पे भी खड़े हुए थे, चिकन अपना तैयार करा रहे थे, तो सामने एक पोस्टर दिखा है। तो दोस्तों अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्वागत दोस्तों, कैसे आप सब आज? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का 3 रोज़े हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, चौथी शब लग चुकी है और तरावी के बाद हम निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, थोड़ा सा कुछ खाने पीने, देखते हैं कैसा माहौल है, कैसा रौनक है रमज़ान की। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त नारी कुल्चे की दुकान लगी हुई है यहाँ पे, अमिता बावर्ची पत्तापुर वाली, बहुत शानदार सजाया हुआ है इन्होंने। ये बेहतरीन कुल्चे चले जा रहे हैं यहाँ पे इंदौर में। अब हम लोग तलाक महल से निकल के जा रहे हैं परेड चौराहे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे कुछ कपड़ों की दुकानें खुली हुई हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन अभी ख़रीदारी का थोड़ा डाउन है मामला, क्योंकि अभी शुरुआती रमज़ान है। ये सब जगह जितनी भी आपको खाली नज़र आ रही हैं, ये कुछ भी खाली नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे सब दुकानें लग चुकी होंगी। जो ख़वातीन वगैरह हैं वो ख़रीद लेती हैं जल्दी कपड़े रमज़ान से पहले पहले, लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो आखिरी अशरे में ख़रीदते हैं ज़्यादातर, ये देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यही पता चला। बहुत रश है आज काफ़ी। सैफी भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या खाने जा रहे हैं? जा रहे हैं टंगड़ी खाने जा रहे हैं। टकरी? टंगड़ी। टंगड़ी, अच्छा अच्छा। हम लोग लेग पीस खाने, हम लोग लाते खाने जा रहे हैं, लाते खाने जा रहे हैं मुर्गे। हाँ यही दुकान है, यही है। ये है गाइस मलिक रेस्टोरेंट, जहाँ से हम लोग अक्सर टिकट का खाते हैं। और इसके जस्ट सामने ये लगा हुआ है नहारी कुल्चा। तो भाई हमने लग बोल दी और लग यहाँ पे लग चुकी है। दोस्तों यहाँ पे भी खड़े हुए थे, चिकन अपना तैयार करा रहे थे, तो सामने एक पोस्टर दिखा है, वो बहुत शानदार पोस्टर है। और से देखिए इस पोस्टर में नाम कितने हसीन हसीन है, जहीर अजीज, जमीर अजीज, राशिद अजीज, लगता है इन तीनों के अब्बा एक। ये आ चुका है हमारा, खाओ। ये देखिए माशाल्लाह होटल में भी रौनक है पूरे, कुछ भी खाओ या ना खाओ लेकिन ये लेना है कंपलसरी होटल से। एक की जगह 2-3 सीट ले लेता हूँ, पहले काम आया पड़ी रहे। कितना? 2-3 टिशू ले लो। दोस्तों अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि सैफी ने अभी बोला था कि चलते हैं भाई कोल्ड ड्रिंक पिला दो, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो दुकान करीब में ही थी, लेकिन मैं गाड़ी से और आगे बढ़ता गया एक चौराहे पर रुका, वहाँ लेने लगा कोल्ड ड्रिंक। तो एकदम से बगल में एक बूढ़े चचा खड़े हुए थे, लगभग आराम से 65-70 साल की उम्र होगी उनकी। तो खड़े हुए थे बेचारे, बहुत ज़यीफ़ थे, और वो मतलब धीरे से कोई बात कह रहे थे कि कोई अल्लाह का बंदा हो तो मुझे आगे वाले चौराहे तक छोड़ दें। तो ये बात सैफी ने सुनी, हमसे बोला कि भाई वो ये चीज़ बोल रहे हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, छोड़ देते हैं उनको। तो बैठा ला उनको गाड़ी पे, तो मतलब इतने ज़्यादा ज़यीफ थे वो कि बेचारे सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, एक लाठी के सहारे चल रहे थे। मैंने उनको बैठा ला गाड़ी पर, और गाड़ी पर बैठा के उनको उनकी मंजिल तक छोड़ा। तो रास्ते भर वो यही कहते गए, बेटा बहुत नेकी का काम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा नेकी वाली रात है और रमज़ान के महीने में, कि मतलब उन्होंने एक बात ये भी बोली मुझसे, रोज़ कोई ना कोई नेक बंदा अल्लाह का मुझे मिल जाता है जो वहाँ तक मुझे ड्रॉप कर देता है। तो बहुत अच्छा लगा, कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें करने में, नेकियाँ छोटी छोटी कमाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशी मिलती है। आप लोग से भी कहूँगा, अगर कभी कोई ऐसा बंदा मिले या कभी कुछ ऐसा हो आपके साथ, ज़रूर अगर आप कैपेबल हों तो ज़रूर उसकी मदद कीजिए। चाहते तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वहाँ भी पी सकते थे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक यहाँ लिखी थी और चचा को छोड़ना लिखा हुआ था। दोस्तों अभी हम लोग के साथ ये हुआ कि यहाँ एक चचा है, कल कोई अल्लाह करने एक बंदा भी बता चुका है, चाहे मेरे जुबान से भी मेरे भाई ने उनको छोड़ा है, बताए तो खैर तुम इंद का चचा वो बात कह रहे हैं ऐसी।
वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है भाई साहब, ये देखिए आप। असल में ये एक पुल है नहरिया का जूही, इसके ऊपर से ट्रेन जाती है। दोस्तों हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, अभी जो भी आपने देखा पिछले वीडियो में वो सब ले चुके हैं हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया सब कुछ। अब हम व्लॉग को कर रहे हैं एंड, क्योंकि अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।